क्वेश्चन नंबर 8, द टू सैटेलाइट्स S1 एंड S2 रिवॉल्व अराउंड ए प्लेनेट, रिवॉल्व अराउंड ए प्लेनेट इन ए कोप्लेनर सर्कुलर ऑर्बिट इन द सेम सेंस देयर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशंस आर 1 आवर एंड 8 आवर्स रेस्पेक्टिवली. द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज ऑर्बिट S1 इज 10.4 किलोमीटर व्हाइल S2 इज क्लोजेस्ट टू S1. फाइंड स्पीड ऑफ S2 रिलेटिव टू S1. द एंगुलर स्पीड ऑफ S2 एक्चुअली ऑब्जर्व बाय एन एस्ट्रोनॉट इन S1 है ना. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन. ये किस ईयर में आया है? IIT किस ईयर में आया है? 86. हाँ, ये आपका IIT 86 का क्वेश्चन है. IIT 86 ना कि 96? हाँ देखिए, हाँ देखिए, तो इसमें जो है एक प्लेनेट है ना, इस प्लेनेट के दो सैटेलाइट है. ये प्लेनेट है आपका, ठीक है. इस प्लेनेट के पहले दो सैटेलाइट है, एक S1 एक S2. तो बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट वो आपका सैटेलाइट हो जाता है. ये सैटेलाइट S1 है ना, और सैटेलाइट S1 और दूसरा सैटेलाइट भी है S2. इनके टाइम पीरियड परमिशन दे रखा है मैंने. टाइम पीरियड कितना दिया है? जो प्लेनेट के क्लोज है ना उसका टाइम पीरियड कह रहे हैं T1 1 आवर कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं? 1 आवर ना. और जो इससे दूर है, ठीक है, प्लेनेट से दूर है मतलब S2, इसका टाइम पीरियड क्या कह रहे हैं? 1 आवर कह रहे हैं. कितना कह रहे हैं? 1 आवर है ना. ठीक है, और क्या दिया इन्होंने? और कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट S1 की रेडियस दे रखा है. ये आपकी रेडियस हो गई, ठीक है. तो R1 की वैल्यू कितना दिया है? R1 की वैल्यू कितना दिया है? R1 की वैल्यू कह रहे हैं 10.4 किलोमीटर कह रहे हैं. कितना कह रहे हैं? 10.4 किलोमीटर है. और सेकेंड अच्छा, और क्या कह रहे हैं? हाँ, किलोमीटर. व्हेन S2 इज क्लोजेस्ट टू S1 फाइंड द स्पीड ऑफ S2 रिलेटिव टू S1. ठीक है, अच्छा. और ये भी कहा जा रहा है कि बोथ आर रिवॉल्विंग इन सेम सेंस. देखिए, एक वर्ड इसमें यूज है, करेंगे प्लेनेट्स आर कोप्लेनर, दोनों प्लेनेट एक ही प्लेन में रिवॉल्व करते हैं ना. ठीक है, जिस प्लेन में S1 उसी प्लेन में S2 है. और साथ में कह रहे हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट इन द सेम सेंस, इन द सेम सेंस. सेम सेंस का मतलब बोथ आर रिवॉल्विंग इन द सेम डायरेक्शन ना. ठीक है, इनके मोशन का डायरेक्शन क्या है? सेम है. तो जैसे हम अगर S1 की डायरेक्शन ये ले लेते हैं ना, तो S2 की भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी. S1 की हमने क्लॉकवाइज ले लिया, S2 भी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये ना. ठीक है, और क्या कह रहे हैं? बस तो आपको फाइंड करना है इतने कंडीशन से आपको क्या निकालना है. इतना कंडीशन दिया हमने, इस कंडीशन से आपको निकालना है स्पीड ऑफ S2 रिलेटिव टू S1. आपको S1 के रिस्पेक्ट में S2 की स्पीड बताना है. ठीक है, तो देखिए रिलेटिव स्पीड क्या होती है बताओ. जैसे रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना होता है तो क्या करते हैं आप? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी करते हैं ना. है, जिस चीज़ की जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती है और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है, तो उसके उस बॉडी की वेलोसिटी से जिसके रिस्पेक्ट में निकालना था उसकी स्पीड को माइनस कर दिया जाता है ना. ठीक है, तो जैसे रिलेटिव स्पीड ऑफ S2 बताना है विद रिस्पेक्ट टू S1, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? बी सबट्रैक्ट स्पीड ऑफ S1 फ्रॉम S2. बी सबट्रैक्ट स्पीड ऑफ S1 फ्रॉम S2. ठीक है, ये चीज करेंगे. चलिए, तो हमको ना तो B1 मालूम है ना तो B2 मालूम है, तो कैसे सबट्रैक्ट करने से मिल जाएगा बताओ? हैं, ना S2 पता है ना, ना B2 पता है, तो हम सबट्रैक्ट करने से कैसे फाइंड कर लेंगे मतलब. तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, B1 B2 निकालते हैं. सबट्रैक्ट करने से तो मिल जाएगा, ये तो क्यों हो गए, लेकिन सबट्रैक्ट करने के लिए जो क्वांटिटी है उसकी तो वैल्यू मालूम नहीं है, उसकी वैल्यू तो मालूम नहीं है ना. तो इसकी वैल्यू क्या करते हैं? पहले फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, तो अब फाइंड करने के लिए क्या करिएगा? तो देखिए, एक ही रेडियस दे रखा है, एक ऑर्बिट की रेडियस दे रखा है,
और दूसरे आपके पीरियड है ना, और टाइम पीरियड दिया है, तो टाइम पीरियड और रेडियस को रिलेट करते हैं। टाइम पीरियड और रेडियस को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं ना, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, तो क्वेश्चन निकालने के बदले जैसे टाइम पीरियड आपको होगा 2πr/b1 ना, और t2 इक्वल टू होगा 2πr/b2। क्योंकि देखिए एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में सैटेलाइट जैसा क्या करेगा, सर्कमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा ना, ठीक है। तो इसके सर्कमफेरेंस को हम क्या करते हैं, इसके सर्कमफेरेंस को स्पीड वी1 से डिवाइड कर देते हैं, इसका टाइम पीरियड आ जाएगा ना। और सैटेलाइट जैसा तो क्या करेगा, सैटेलाइट जैसा तो जो है एक सर्कमफेरेंस एक टाइम पीरियड में कंप्लीट करेगा, तो इसके सर्कमफेरेंस को इसके रेडियस से इसके स्पीड से डिवाइड कर देते हैं, इसकी स्पीड हम इसकी रेडिएशन r2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं r2 ना। तो चलिए, तो b1 इक्वल टू कितना होगा, बता b1 इक्वल टू होगा चलिए टाइम पीरियड, जैसे टाइम पीरियड से आपको बताओ टाइम टेकन बाय सैटेलाइट इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन सैटेलाइट आपका जो है सर्कमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा ना, ठीक है। तो इसलिए t1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ t1 की वैल्यू नोन है, r की वैल्यू नोन है, ठीक है। तो यहां से जो है b1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, b1 इक्वल टू हो जाएगा 2πr1, r1 की वैल्यू 10⁴ है और t1 की वैल्यू कितना है 1 है ना, तो b1 हो गया आपका 2π×10⁴ किलोमीटर r^2 या फिर ना, ठीक है। अब उसके बाद देखिए दूसरे सैटेलाइट के लिए निकालते हैं, पहले सैटेलाइट के लिए तो डाटा हमारे पास था, हमने निकाल लिया। अब दूसरे सैटेलाइट के लिए निकालने के लिए हमको रेडियस चाहिए, क्या चाहिए, रेडियस ना, रेडियस नहीं पता है दूसरे सैटेलाइट का, पहले सैटेलाइट का रेडियस पता था हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि दूसरे सैटेलाइट की भी रेडियस निकालते हैं ना, ठीक है। तो देखिए जैसे टाइम पीरियड के लिए क्या होता है, हमने टाइम पीरियड के लिए क्वेश्चन डेराइव किया था 2πr/3/2 अपन r√g हां, यह r h ना। तो चलिए इस रिलेशन को यूज कर लेते हैं, इस रिलेशन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यह यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, √gm भी लिख सकते हैं, यहां क्या लिख सकते हैं √gm ना, ठीक है। तो तीन जगह √gm ना, आप ग्रेविटेशन के टर्म में लिखे तो हो जाएगा, मास के टर्म में ये हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसमें जो है प्लेनेट, ये क्या मास ऑफ प्लेनेट है, तो दोनों सैटेलाइट के लिए प्लेनेट एक ही है, दोनों सैटेलाइट के लिए क्या प्लेनेट एक ही है ना, ठीक है। तो अगर हम रेशियो लेंगे तो ये जो फैक्टर हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, आर बचेगा ना, ठीक है। तो और टी बचेगा, और टी आर के बीच रिलेशन दे रखा है ना, तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा t2/t1 क्या हो जाएगा, 2πr/3/2/gm/√gm है ना। ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा 2πr/3/2/gm है ना। तो √gm से √gm क्या होगा, कैंसिल, 2π से 2π क्या हो जाएगा, कैंसिल है ना। तो यहाँ से t2 कितना हो जाएगा, t2/t1, तो t2 को ये था, t2 को कितना बता, ये था राइट में रहता है, t2 को हो जाएगा 8 हो जाएगा के लिए, और इसके बाद 1 है तो 1 लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा r2/r1 रेट पर 3/2 ये हुआ ना, ठीक है।
अब देखिए आपके रेडियस यहाँ से मिल गई ना सेकेंड आर्क, ठीक है, तो यहाँ पर 3/2 है, तो 3/2 है, तो पहले क्या करिएगा आप स्क्वायर 1/2 पावर हटाइए, 1/2 पावर हटाने के लिए बहुत सेट क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, बहुत सेट क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, आप पावर हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ता है, क्यूब पावर हटाने के लिए क्यूब करना पड़ता है ना, क्यूब हटाने के लिए तो स्क्वायर करिएगा तो 8 स्क्वायर हो जाएगा, ये R2 / R3 R2 / R1 √3 हो जाएगा ना, ये हो गया 64 √R2 / R1 √3 हो गया ना। अब देखिए 3 पावर है तो 3 पावर हटाने के लिए क्या करिएगा है, 3 पावर हटाने के लिए क्या करेंगे बताइए, क्यूब रूट लेते हैं, 3 पावर हटाने के लिए क्यूब रूट, 2 पावर हटाने के लिए स्क्वायर रूट, तो टेकिंग क्यूब रूट इन बोथ साइड, तो बोथ साइड हम क्या करेंगे क्यूब रूट लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका R2 / R1 है ना, तो 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4 होता है ना, 4 × 4 × 4 3 टाइम मल्टीप्लाई करिएगा तो 64 मिलेगा, पेयर बनाइएगा तो 4 का पेयर बनेगा 8, इसलिए नहीं 8 स्क्वायर रूट होगा, क्यूब रूट जो है 4 × 4 × 4 ना, 4 बार 4 मल्टीप्लाई होगा तब 64 आएगा ना, तो 3 का पेयर बनाते हैं क्यूब रूट में तो 1 4 आ जाएगा आपका ना, ठीक है, तो कितना बनेगा ये R2 / R1 हो गया है, यहाँ से R2 कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा 4 आर, R2 क्या होगा 4 आर ना, इस टाइप से आपको रेडियस दूसरे आर्क के रेडियस मालूम होगी, R2 के वैल्यू करें 10√4 किलोमीटर है तो 10√4 किलोमीटर रख दीजिए, अब दूसरे की स्पीड आ जाएगी जैसे पहले की स्पीड हमने निकाल लिया था है, तो इस टाइप से दूसरे की स्पीड निकाल लेते हैं, क्योंकि पहले में भी रेडियस ही दी गई थी और कुछ नहीं दिया गया था, टाइम पीरियड दिया गया था, रेडियस दिया गया था, यहाँ इसका भी टाइम पीरियड पता है, रेडियस नहीं पता था, पता कर लिया हमने ना, ठीक है, तो चलिए अब वेलोसिटी B2 कितना होगा बताओ, सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट फॉलोड बाय सेकंड सैटेलाइट अपॉन टाइम पीरियड ऑफ सेकंड सैटेलाइट है, ठीक है, तो हो जाएगा 2π × R2 R2 वैल्यू क्या 4 × 10√4 है और T2 वैल्यू कितना 8 है ना, तो अब इसको सिंपलीफाई करें क्या होगा π × 10√4 हो जाएगा, देखिए 2 × 4 = 8 हो गया, 8 आपका कैंसिल हो गया ना, तो B2 इसको कितना हो गया 5 × 10√4 किलोमीटर R-1, ठीक है, अब चलिए B1 B2 मालूम हो गया ना, अब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट S2 इसको कितना हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट S2 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट S2 विद रिस्पेक्ट टू S1 चलिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट सेकेंड पार्ट है, दे सेकेंड पार्ट कह रहे हैं कि एंगुलर स्पीड ऑफ S2 एक्चुअली ऑब्जर्व्ड बाय S1 एस्ट्रोनॉट इन S1 ना, कोई एस्ट्रोनॉट S1 में बैठा हुआ है, ठीक है, सैटेलाइट S1 में बैठा हुआ है और इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, S2 के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है ना, तो इसको कितनी एंगुलर स्पीड मिलेगी ये चीज पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा बताओ, ये जो एंगुलर स्पीड ऑब्जर्व करेगा रिलेटिव एंगुलर स्पीड ऑब्जर्व करेगा रिलेटिव ना, ठीक है, तो क्या मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी से मिल रहा है इसी इसी को इस स्पीड को क्या करते हैं, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ
टू विद रिस्पेक्ट टू वन है ना, सेटेलाइट टू विद रिस्पेक्ट टू एस वन है ना, तो इसी के करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी ना, या पर रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी है। अब इसी का इसी करस्पॉन्डिंग एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो हमारे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मोशन कर रहे हैं, जैसे दोनों चल रहे हैं ना इंटरसेक्ट है, ठीक है। तो ये कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, मेरे से भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ये चीज ना वो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, जैसे दो आदमी चल रहे हैं, एक 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, एक 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो 1 सेकंड के बाद दूसरा जो 10 से चल रहा है कितना दूर पहुंच जाएगा, पहले 5 मीटर पहुंच जाएगा, है ठीक है। एक आदमी जो है आगे के जा रहा है 10 मीटर, दो आदमी हैं एक साथ वो चल पड़ गया ना, एक है 5 मीटर की स्पीड से चल रहा है, है और दूसरा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो दूसरा आदमी जो है पहले को 1 सेकंड में कितना पीछे छोड़ देगा, हैं 5 छोड़ देगा, तो 1 सेकंड में जितना पीछे छोड़ देगा वो एक हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी ना, ठीक है। तो आपका जो है V2 जो है कम स्पीड से चल रहा है, V2 क्या है बताओ, V2 5 न्यूटन पर फोर्स से चल रहा है, मतलब धीरे-धीरे चल रहा है, और S1 क्या कर रहा है मतलब S1 जो है 2 पाई से चल रहा है, 2 पाई ना, तो कौन किसको पीछे छोड़ेगा, V2 छोड़ेगा कि V1 कौन आगे निकलेगा, V1 आगे निकलेगा, V1 आगे जाएगा क्योंकि 2 पाई से चल रहा है, है कि 2 पाई से आगे बढ़ रहा है और ये 1 पाई से आगे बढ़ रहा है, तो क्या होगा 1 सेकंड के बाद 1 घंटे में पाई इनटू 10 रेट फॉर को पीछे रह जाएगा ना, ठीक है। तो कितना पीछे रहेगा वो, ये तो लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी ना, अब इसको एंगुलर वेलोसिटी बदल दीजिए, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, हैं लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है बताओ, हैं देन सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा है v = r ओमेगा होता है ना, लीनियर वेलोसिटी इज रेडियस टाइम एंगुलर वेलोसिटी, ये होता है ठीक है। तो इसका यूज कर लीजिए आप, हैं तो ये देखा ओमेगा = हो जाएगा v(s2s1)r ना, तो ये r किसका होगा, सेकंड ऑर्बिट के लिए होगा r2 है ना, तो चलिए इसे वैल्यू रखिए, तो इसके वैल्यू -5 × 10⁴ हो जाएगा, R2 वैल्यू कितना है, R2 वैल्यू हमने निकाला है और रेडियस कितना निकाला, ये निकाला 4 × 10⁴ ना, 4 × 10⁴ ना, क्या हो जाएगा -5/4 रेडियन पर सेकंड, रेडियन किलोमीटर, रेडियन किलोमीटर माइनस वन होगा, सॉरी रेडियन आर माइनस वन होगा, टाइम यहाँ पर जो है मेजर कर रहे हैं आर मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन इंडिकेट दैट सेकंड सैटेलाइट इज बिहाइंड द फर्स्ट है ना, सेकंड है पहले के, अच्छा एक मिनट रुकिए, इसमें जो डिस्टेंस होगा ये वाले डिस्टेंस लीजिए ना दोनों, क्योंकि यहां से इसका रिवोल्यूशन होगा यहां से ना, ठीक है। तो इसमें जो डिस्टेंस हमारी होगी डिस्टेंस बिटवीन टू सैटेलाइट होगा ना, क्योंकि ऑब्जर्वर यहां पर है, यहां पर नहीं है, अर्थ नहीं सेटेलाइट सर्कल पर है, कहाँ पर है, यशवंत के सर्कल पर है, तो यशवंत के रिस्पेक्ट में घूमेगा, यशवंत के रिस्पेक्ट में पीछे जाएगा, तो ये डिस्टेंस दिया जाएगा कौन सी, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगी R2 - R1 होगा, क्या होगा R2 - R1 ना, ठीक है। यहाँ पर R2 - R1 लिखिएगा, तो जाएगा 1 × 10⁴, ठीक है। तो 1 × 10⁴ क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आपके तो इतने एंगुलर वेलोसिटी से पीछे जाएगा, चलिए राइट। अच्छा इसमें नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, सैटेलाइट S2 इज बिहाइंड द S1 ना, सैटेलाइट आगे आगे चलेगा, एक घंटे में इतना एंगल आगे पहुंच जाएगा, सैटेलाइट S2 क्या करेगा 5/3 रेडियन आगे पहुंच जाएगा एक घंटे में ना, 60 डिग्री आगे पहुंच जाएगा, है ठीक है, 5/3 मतलब 60 डिग्री, और जबकि सेटेलाइट S2 क्या करेगा इसके पीछे लेकर, हाँ ठीक है।
इस टाइप से आप चैप्टर क्लियर रखिए, इससे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब जाओ।